भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचा मृतक का शव। घायल की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने दाऊद के घर पर बोला हमला। दाऊद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की गई है। पूरा क्षेत्र छावनी में हुआ तब्दील। बता दें कि अतरौलिया बाजार के व्यापारियों ने भी बाजार बंद करके अपना विरोध जताया है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया बाजार में 6 सितंबर को दाऊद नामक युवक पर बाजार के ही 2 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। इस हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में घायल तेरस राम सोनकर की कल इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे बाजार में जमकर हंगामा हुआ। बीती रात मंगलवार को आक्रोशित परिजनों ने दाऊद के घर पर हमला भी बोल दिया और बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं आज सुबह मृतक के परिजनों सहित तकरीबन हजारों की संख्या में पुनः बाजार के लोगों ने आरोपी दाऊद के घर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करना शुरू किया। यही नहीं, उसके घर में घुसने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। बाजारवासी मांग करने लगे कि दाऊद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुलिस बल के साथ पहुंच गए। वहीं विरोध जताते हुए व्यापारियों ने बुधवार सुबह से अपनी दुकानों को बंद रखा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी दाऊद को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं आज बुधवार 10:30 पर जैसे ही शव मृतक के घर पहुंचा, एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने पहले से ही स्थिति से निपटने के लिए मोर्चा संभाल रखा था। बब्बर चौक से यूनियन बैंक जाने वाले रोड को बंद कर दिया गया था। मृतक का शव पहुंचते ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पुष्कर मिश्रा, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, हर्षित सिंह, धर्मेंद्र, निषाद राजू, रमेश सिंह रामू समेत कई लोग मृतक के घर पहुंचे और रोते बिलखते परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान मौके पर SP ग्रामीण चिराग जैन, SDM बुढ़नपुर क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार लेखपाल तथा कई थानों की फोर्स और PSC मौजूद रहे। देखिए, दिनांक 6 सितंबर 2024 को थाना अतरौलिया पर एक व्यक्ति है तेरस राम सोनकर, उनकी एक व्यक्ति दाऊद द्वारा गाड़ी से टक्कर मारकर मारने के प्रयास के कारण चोटिल कर दिया गया था, जिस पर उनका द्वारा कुछ आक्रोश व्यक्त किया गया। उसके बाद उस बॉडी को हटवाकर हम लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, वहां पे उनका इलाज किया गया। उसके बाद उनको रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उनका अभी इलाज लाइफलाइन में चल रहा था। इस इलाज के दौरान आज 17 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई है। इलाज के बाद मृत्यु के कारण परिजन थोड़े आक्रोशित हो गए, जिस कारण उनके द्वारा सड़क पर जाम लगा दिया गया। थाने की पुलिस, QRT, अन्य थानों के SO, CO सगड़ी, CO बुढ़नपुर, ADM साहब, SDM साहब सब मौजूद हुए। सब परिवारजनों को समझाया गया, उनके कुछ डिमांड थी जो लिखित में ले ली गई हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इसमें मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है, उस पर दाऊद की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसमें भी हम प्रयास करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द सलाह दिलाई। सर, कुछ क्या मांगे थी परिवार की, कुछ बता सकते हैं? इसमें मांगे ये थी, क्योंकि जो मृतक है उनके 4 लड़कियां हैं और ज्यादा संपन्न नहीं है, तो इनके ये मांगे थी कि लड़की की शादी के लिए मुआवजा दिया जाए, जो भी सहायता उसमें पॉसिबल हो कराया जाए, आवास योजना में आवास इनको दिलवाया जाए, और जो भी SC ST के एक्ट के अंतर्गत तो और जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की चल रही हैं, उनमें जो भी मैक्सिमम सहायता हो सके वो इनको उपलब्ध कराई जाए। दाऊद नाम का शख्स था, जो है वो बहुत मनबड़ और बदमाश किस्म का अपराधी था। उसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज थे। तो 7 को मेरे चाचा जो है टहलने गए थे, 7 को टहलने गए थे, तो उधर से वो अपने 4-पहिया वाहन के पीछे से लेके आ रहा था, तो वो पीछे से जो है उसको उनके ऊपर चढ़ाते हुए निकल गया। फिर उसके बाद जब वो गिर गए, बोनट में बच गए, उनके ऊपर 3-3 जो है बैक करके चढ़ा दिया। उनकी हालत गंभीर देखते हुए जो है हम लोग सौतिया अतरौलिया सौतिया जिला सरकारी अस्पताल में लेके गए, वहाँ के डॉक्टर जो है रेफर कर दिए जिला आजमगढ़ के लिए। उसके बाद हम लोग भागते हुए लेके गए लाइफलाइन हॉस्पिटल में, एडमिट किए उनको, जो है काफ़ी सीरियस केस में दिक्कत सीरियस होने के लिए वेंटिलेटर पे जो है चढ़ा दिए। आज क्या हुआ है? आज सर जो है उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, जो है करीबन जो है पैसे खर्च कर किए हम लोग, फिर भी जान नहीं बची है। तो आज आप लोग क्या मांग है? मांग हमारी यही है सर कि उनका एनकाउंटर हो जाए। किसका? दाऊद का जो है एनकाउंटर हो जाए। जी, वो तो शायद जेल में है अभी। वो जेल में बंद है सर। अच्छा अच्छा,
तो यही हम लोगों का मांग है, हमारे परिवार का, हमारे चाचा की चार चार लड़कियां हैं जो है, उसके बाद उनके बेटे हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं हम लोगों की है, और हम लोग बस यही चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर हो जाए। अच्छा, और भी कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है कि सर उनके लड़कों की सरकारी नौकरी, अच्छा, उसके बाद जो खर्चे हुए हैं वो मुआवजा, आर्थिक मदद चाहिए। अच्छा, सरकार से यही अपील हम लोगों को। अच्छा, आपने अधिकारियों से कोई बातचीत किया तो कोई आश्वासन आपको मिला है? जी, डीएम साहब बोले हैं, क्या कह रहे हैं जी? डीएम साहब बोले हैं कि हमारी तरफ से पूरी सहायता की जा रही है और करते रहेंगे, और फिलहाल जो हमारे हाथ में रहेगा वही कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे डीएम साहब की मांग की, तो डीएम साहब कुछ टाइम पहले, मतलब डीएम साहब आने वाले हैं कुछ मिनट बाद, तो उनसे बातचीत जारी रहेगी आगे। वही साहब, 6 तारीख को जो तीज का त्यौहार था, ये हमारे भतीजा लगते हैं पटदार की लड़की, टहलने गए थे, आतंकवादी है, इसके ऊपर कई धाराएं लगी है, यहाँ के प्रशासन लोग उसको बार बार छोड़ दे रहे, हम लोगों की यही मांग, इसको इनकाउंटर किया जाए। तो अभी तो फिलहाल जेल में है, हम लोगों की मांग यही है कि उनका भी इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि बाजार में बहुत बड़ा इसका आतंक चल रहा है, पूरे बाजार को परेशान किया है। और क्या मांगे? और मांगे हम लोगों, जो हमारे भतीजे हैं, हम लोगों गरीब परिवार की, इनको जो आर्थिक मदद मिल जाए, इनको मकान मिल जाए, जो इनका खर्च बात जो उनको मिला, उनका आर्थिक मदद जो मिल जाए, शासन से हम लोग यही मांग अधिकारियों से है। अधिकारी लोग क्या कहेंगे? अभी अधिकारी समाज तो कोई बात हुई नहीं है, लेकिन लोग आश्वासन दे रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं, अभी हम घर से आ रहे हैं दवा करके। हाँ हाँ, यही है कि हम लोगों पूरी जनता की मांग, इनका इनकाउंटर किया जाए। हम लोगों का मांग ये था कि जो भी परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है, आर्थिक सहयोग के लिए एसपीआरए साहब, एसपीसीटी, डीएम महोदय, सभी लोग मौके पे हैं, सारी बात हो गई है, सब लिखित के रूप में जो भी अनुदान है उसको लिखवाया जा रहा है और विज्ञापन दिया जाएगा। क्या मांगे थी, मतलब आर्थिक मदद की मांग थी? आर्थिक मदद की मांग थी, नौकरी की मांग थी, और पीड़ित परिवार को रहने का मकान नहीं था, आवास की भी मांग थी। तो मतलब अधिकारी लोग आश्वासन दे रहे हैं, पूरा 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 सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।